टीके के सेनेटर जो हैं वो इलेक्ट ही नहीं हुए थे। मिनोरिटीज का हक मारा गया, मिनोरिटीज की चंद सीटें जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दी थी वो नहीं की थी। रिजर्व सीट खवातीन की नेशनल असेंबली में मौजूद नहीं थी। ये बहुत अहम नुक्ता है और मैं समझता हूं कि जो इन आईनी तरामीम के अंदर जिन लोगों ने 2/3 मेजोरिटी अलेजली हॉर्स ट्रेडिंग की खरीदो फरोख की बुनियाद के ऊपर की, ये नून लीग हमेशा छाना माना की सियासत करती है, ये इन्होंने दोबारा दोहराई है। कभी ये मरी के होटलों में लोगों को लेके चले जाते थे अफवाह करके और कभी छाना माना करते। पूरी कौम इन आईनी तरामीम को रिजेक्ट करती है। इन आईनी तरामीम के जरिए चीफ जस्टिस का इख्तियार अगर इन अनपढ़ पार्लियामेंटेरियंस को दे दिया जाए, वो पहले तो उन्होंने बीए की शर्त रखी हुई थी वो भी खत्म कर दी हुई है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के लगाने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दें। ये ट्राइटनी ऑफ पावर इस 1973 के आईन में दी गई है कि हर इदारा अपनी आईनी हदूद के अंदर रहेगा। मुकन्ना का एक अपना काम है, अदलिया का एक अपना काम है और एग्जेक्टिव का एक अपना काम है और फौज का एक अपना काम है। अगर ये काला कोट बैठा है, अगर इनके हाथ में बंदूक पकड़ा दी जाए तो ये अपने बंदे को मार देंगे ना, और अगर किसी अनपढ़ के हाथ में जो मिडिल फेलर या मैट्रिक पास हो उसके हाथ में कलम पकड़ा दिया जाए तो फिर इस मुल्क की तकदीर का फैसला वो क्या लिखेगा। ये दरअसल ख्वाजा आसफ की तकरीर हमारे लिए आई ओपनिंग है। उसने कहा हमने बदला ले लिया है, ये पार्लियामेंट के हाउस पे कहा उन्होंने, बदला किनसे लिया है? जजेस से लिया। इसी तरह सबका वजीर आजम कहता है कि वहां हमने जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसले किए थे हमने उनको घर भेज दिया। इनकी तारीख भरी पड़ी है, वो सज्जाद अली शाह वाला मैटर हो तो सुप्रीम कोर्ट के हमला ये करें, उमर का बंदियाल साहब चीफ जस्टिस हूं तो ये ट्रकों पे चढ़ के शाराए दस्तूर पे चले जाते हैं। ये हमेशा फैसले अपनी मर्जी से करवाते हैं। अगर इन्होंने बेनजीर के खिलाफ फैसला करवाना था तो बलबीम साहब को फोन यही करते थे। ये मैच फिक्स करके खेलने वाले लोग हैं, जबकि हम काला कोट आज इस बात की दोबारा वजाहत करना चाहते हैं कि कोई ऐसी आईनी तरामीम जो के अवामी नुमाइंदे मुंतखिब जो मुंतखिब चुदा हमें नुमाइंदे हैं, ये तो 47 की जाली हुकूमत बैठी हुई है, ये इन्होंने कोई भी जो आईनी तरमीम की है वो कौम की हकूक की तर्जुमानी नहीं करती और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ये खिलाफ है। आर्टिकल 2A में फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर किया गया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फ्रस्ट्रेट करने के लिए ये आईनी तरामीम की है। वो अलजहाद ट्रस्ट वाला केस हो, वो रियाजुल हक वाला केस हो, वो शरफ फरीदी वाला केस हो, के एग्जेक्टिव से जुडिशरी अलग होगी और जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, वो उसके चीफ जस्टिस नहीं बल्कि जजिस के इंतखाब के लिए भी किसी एग्जेक्टिव को कोई अमल दरामद करने का इख्तियार नहीं देता। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई करने के मुतरातिब हैं, जो कि ये नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती और ये गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए इनके खिलाफ। इनके खिलाफ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया है, सबवर्ट किया है और जुडिशरी को सबसर्वियंट टू द पार्लियामेंट कर दिया है। ना काला कोर्ट इसको तस्लीम करेगा,
ना इस मुल्क के अवाम इसको तस्लीम करते हैं। और जैसे अभी खान साहब ने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि 25 तारीख को जब हम यौम तशक्कर मना रहे होंगे तो तमाम बार एसोसिएशंस पंजाब, केपीके, बलोचिस्तान, जीपी, कश्मीर और सिंध, तमाम बार एसोसिएशन उस दिन रेजोल्यूशन पास करें इन आईनी तरामीम को रिजेक्ट करने के लिए। और हम सड़कों पे भी होंगे। हमने पहले भी जुल्म जबर बर्दाश्त किया है, हमने पहले भी सीनों पे गोलियां खाई हैं। आज भी ये काला कोट इस मुल्क में आईन की सरबुलंदी के लिए खड़ा है।